यदि आप भी घर में महसूस करते हैं वास्तु दोष, तो बिना तोड़फोड़ के दूर करें वास्तु दोष इन 20 उपाय से। इस संसार का प्रत्येक व्यक्ति सुखी और संपन्न जीवन चाहता है। कुछ लोग वास्तु दोष को मानते हैं, वहीं कुछ लोग इसमें विश्वास नहीं रखते हैं, जिसके कारण उन लोगों को कई तरह के रोग और परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वास्तु दोष की वजह से जीवन तकलीफों से भर जाता है। मकान में बिना तोड़ फोड़ किए भी वास्तु दोष को दूर किया जा सकता है, जिससे घर में वास्तु दोषों का प्रभाव बहुत कम हो जाएगा। आइए जानते हैं कौन से वे उपाय जिनसे वास्तु दोष को कम किया जा सकता है। एक, वास्तु शास्त्र के अनुसार घर की उत्तर पूर्व यानी ईशान कोण सबसे शुभ दिशा मानी जाती है। इसलिए इस दिशा में ऐसी चीजें लगाएं या रखें जिससे सकारात्मक ऊर्जा अधिक उत्पन्न हो। ऐसे में आप इस दिशा में उगते हुए सूर्य की तस्वीर, उड़ते पक्षियों की तस्वीर या फिर मनी प्लांट, स्नेक प्लांट आदि लगा सकते हैं। दो, घर के प्रवेश द्वार में घोड़े की नाल लगाना शुभ माना जाता है। इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं कर पाती है। इसके साथ ही सौभाग्य और धन की प्राप्ति होती है। तीन, वास्तु शास्त्र के अनुसार अगर घर के वास्तु दोष को दूर करना है तो समुद्री नमक रखना लाभकारी सिद्ध होगा। ऐसे में आप छोटी छोटी कांच की कटोरी में समुद्री नमक रखकर शौचालय, बाथरूम सहित कुछ हिस्सों में रख सकते हैं। इसके साथ ही सप्ताह में एक बार पानी में थोड़ा सा समुद्री नमक डालकर पोछा लगा सकते हैं। चार, यदि आपको लगता है कि आपके घर में किसी प्रकार का वास्तु दोष है, तो आप अपने घर की अच्छे से सफाई कर लें। उसके बाद हल्दी को घोल लें, फिर उसे पान के पत्ते से घर में हर स्थान पर छिड़क दें। ऐसा सप्ताह में एक बार जरूर करें। पांच, वास्तु शास्त्र में उस घर को अच्छा माना जाता है जिसमें रोज सूर्य की किरणें और स्वच्छ हवाएं आती हैं। यदि आपके घर की खिड़कियां हमेशा बंद रहती हैं, तो उससे वास्तु दोष और नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है। ऐसे में आप प्रत्येक दिन सुबह कुछ समय के लिए खिड़की और दरवाजे खोल दिया करें। छह, पूजा स्थान पर बासी फूल, फल या अन्य पूजन सामग्री नहीं छोड़ना चाहिए। प्रत्येक दिन वहां साफ सफाई करनी चाहिए, नहीं तो उससे वास्तु दोष उत्पन्न होता है। देवी और देवता की आमने सामने तस्वीर भी नहीं रखनी चाहिए, ये भी वास्तु दोष का कारण होता है। सात, आपको लगता है कि घर में किसी प्रकार का वास्तु दोष है, तो प्रतिदिन पूजा के समय शंख और घंटी बजाया करें। इससे वास्तु दोष और नकारात्मकता दोनों ही दूर होंगे। आठ, मकान के ब्रह्म स्थान या फिर ईशान कोण में स्फटिक श्रीयंत्र स्थापित कराएं। ये वास्तु दोषों को दूर करने के साथ ही धन और आय में बढ़ोतरी भी करने में मदद करता है। नौ, घर के उत्तर पूर्व दिशा में कबाड़, कचरा, भारी सामान आदि रखने से वास्तु दोष होता है। इस स्थान को साफ सुथरा रखने से वास्तु दोष नहीं होता है। परिवार में सुख और शांति बनी रहती है। दस, यदि आपके घर में वास्तु दोष है जिससे आपके घर की तरक्की रुक गई है, तो घर के उत्तर दिशा में जल से भरा हुआ घड़ा या सुराही रखें। ऐसा करने से घर में लगने वाला वास्तु दोष समाप्त हो जाता है और माँ लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहती है। ध्यान दें, घर में कभी भी खाली घड़ा या सुराही नहीं रखना चाहिए, ऐसा करने से दरिद्रता का वास होता है। ग्यारह, अगर आपका बेडरूम दक्षिण पश्चिम या फिर उत्तर दिशा में नहीं है, तो वास्तु दोष को दूर करने के लिए एक शांत समुद्र की तस्वीर दीवार पर लगा सकते हैं। 12. वास्तु के हिसाब से घर का मुख्य द्वार पूर्व दिशा में हो तो अच्छा माना जाता है, पर ऐसे में यदि आपका प्रवेश द्वार दक्षिण दिशा की ओर है, तो घर के द्वार में पंचमुखी हनुमान की तस्वीर लगाने से लाभ मिलता है। दूसरे उपाय में यदि प्रवेश द्वार पर पंचधातु से बना पिरामिड लगाया जाए तो इससे भी शुभ फलों की प्राप्ति होती है। 13. अगर आपका किचन आग्नेय कोण यानी पूर्व दक्षिण में नहीं है, तो इसे वास्तु में अच्छा नहीं माना जाता।
ऐसे में वास्तु दोष को दूर करने के लिए आग्नेय कोण में एक छोटा लाल रंग का बल्ब लगाकर उसे हमेशा जलाए रखें। 14. घर में तिजोरी की दिशा का प्रभाव सीधा आपकी पैसों पर पड़ता है। वास्तु में तिजोरी को दक्षिण दिशा की दीवार से सटाकर रखवाना सही रहता है, यानी तिजोरी की दिशा ऐसी हो जहां तिजोरी का मुख उत्तर दिशा की तरफ खुले। मान्यता है कि तिजोरी का मुख उत्तर दिशा की ओर होने से मां लक्ष्मी का घर में आगमन होता है। 15. वास्तु शास्त्र के अनुसार बहुत से पौधे ऐसे होते हैं जिनसे घर में फैली नकारात्मकता फौरन ही दूर हो जाती है। ऐसे में अगर आप भी घर से नकारात्मक ऊर्जा को भागना चाहते हैं तो घर पर तुलसी, नीम, मनी प्लांट, शमी और बेल का पौधा लगाएं। 16. घर में व्याप्त वास्तु दोष को दूर करने के लिए प्रतिदिन संध्या काल में घर के दक्षिण पश्चिम दिशा में दीपक जलाएं। 17. अगर आप आर्थिक परेशानी से गुजर रहे हैं तो घर के मुख्य द्वार पर रात के समय एक पात्र में पानी थोड़ा सा नमक मिलाकर रख दें। अगली सुबह पानी को किसी चौराहे पर फेंक दें। इस उपाय को करने से वास्तु दोष दूर होता है, साथ ही आर्थिक स्थिति भी मजबूत होती है। 18. वास्तु जानकारों की माने तो घर में व्याप्त वास्तु दोष को दूर करने के लिए घर के मुख्य द्वार पर सिंदूर और घी से स्वास्तिक जरूर बनाएं। इस उपाय को अपनाने से भी वास्तु दोष दूर होता है। 19. यदि घर में वास्तु दोष है तो सभी कमरों के कोने में कपूर की टिकिया रख दें। जब वह टिकिया गलकर खत्म हो जाए तो उसी स्थान पर दूसरी टिकिया रख दें। इससे घर में रहने वाले लोगों पर वास्तु दोष का प्रभाव नहीं पड़ेगा। 20. घर में रोज सुबह शाम कपूर को देशी घी में डुबोकर जलाएं और चारों तरफ घुमाएं। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, साथ ही घर में सुख शांति बनी रहती है। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।